आज से उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस साल परीक्षा में हाई स्कूल स्तर पर 150,379 और इंटरमीडिएट स्तर पर 131,301 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़े कम है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर ने कहा कि 27 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, वहीं नकल रोकने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। से 25 मार्च तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षाएं। 271,690 बच्चे शामिल होंगे परीक्षा में। हाई स्कूल में 121,296 छात्र लेंगे हिस्सा। वहीं इंटरमीडिएट में 150,394 छात्र होंगे शामिल। 1,324 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 225 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं। वहीं 27 केंद्र अति संवेदनशील हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा मूल्यांकन। मई में जारी होगा रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 2 मार्च से प्रारंभ हो रही है और ये 25 मार्च को समाप्त होगी। ये 1,324 केंद्रों पे हम इस समय संपादित करेंगे और इसमें वर्तमान में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 271,690 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। टोटल जो केंद्र हमारे बनाए गए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल से 225 केंद्र आइडेंटिफाई किए गए हैं जो संवेदनशील हैं और 27 केंद्र ऐसे हैं जो अति